अब हम लोग प्रॉपर श्रीलंका श्रीलंका में आए हैं। एक्चुअली वो भी श्रीलंका था, बट द वर्ल्ड नो श्रीलंका फ्रॉम दिस। गुड मॉर्निंग व्लॉग, वेलकम टू आर लास्ट डे हेयर इन एला। और ये है हमारा ब्यूटीफुल व्यू जिससे मन ही नहीं भर रहा। झरने की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही है ना, दो दिन ऐसे सो रहे हैं, लग रहा है कि फुल स्पीड में बारिश हो रही है। इतना प्यारा एंडलेस व्यू है ना। मैं आज सुबह उठा था कुछ आई थिंक 5:15 बजे, आधे घंटे का टाइम लैप्स बनाया था पूरा हाइपर लैप्स। अब वो देखो, बहुत ही ज़्यादा सेरेन है। सन राइज कैसे हो रहा था यहाँ पे, तो झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं तो यहाँ से तो दिख नहीं रहा था, बट मतलब यहाँ पे एकदम ट्वाइलाइट टाइप सी थी। और ट्वाइलाइट ही बोलेंगे उसको, नहीं ट्वाइलाइट नहीं, डॉन बोलेंगे ना उसको। हाँ डॉन था। और एकदम ऐसे यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ पे एकदम प्यारा। और अब तो धूप प्रॉपर आ गई है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमारा रख चुका है आज। ब्रेकफास्ट वी आर हैविंग हेयर ओनली मिल्क राइस है, ये कोई तो रोटी है डोसा टाइप का या समथिंग, ये कोकोनट करी है विच लुक्स रादर टेस्टी, एंड ये दाल करी जो आज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, इसके अंदर सब्जियां सुब्जियाँ भी डली हुई है। ये साथ में सम जैम टू बी एंजॉयड विद दिस डिलिशियस टोस्टेड ब्रेड्स, एंड हेयर वी हैव सम अनियन सैलेड, थोड़ा सा अनियन सैलेड है, और साथ में है मक्खन। बट आप मेन चीज देखो, ये खाना इस व्यू के साथ एंजॉय करो। आह ये है जिंदगी, मतलब लुक एट दिस, सो प्रिटी। हमने कल रेस्टोरेंट में तो खा लिया था, तो हम लोगों को था कि आज जो है ना, आज हमारा डिपार्टिंग ब्रेकफास्ट है। डिपार्टिंग ब्रेकफास्ट विल हैव विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। साथ साथ में पैक भी कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज हम लोगों को आज काफ़ी हेक्टिक जर्नी करनी है, तो उसके लिए टाइम से निकलना भी पड़ेगा। विद इन 1 आवर पैक करके निकलना है, खाना भी खाना है, एंड 10 मिनट ऊपर केबल कार में, आधा घंटा ऊपर गाड़ी में, और फिर निकलना है। वो सब चीज़ें 11 बजे तक करनी है। लेट्स सी हम लोग कितना कर पाते हैं। बाय बाय रूम, बहुत ब्यूटीफुल, तुमने हमें बहुत अच्छे से होस्ट करा। रूम व्यू ओके, सो प्रिटी। झरने को एक बार बाद में बाय बोल देते हैं, एक बार वन लास्ट टाइम। लेट्स से गुड बाय टू झरना फॉर वन लास्ट टाइम, और फटाफट बोलते हैं इससे पहले मंकी ना आ जाए। बाय बाय झरना। लास्ट नाइट वी वेंट टू चिल्स कैफे। चिल कैफे इज गुड, वी चिल्ड देयर। Very nice. I recommend. Yeah. Okay. World's number 2 restaurant. Huh? Yeah. Okay. Okay. Nice meeting you. Bye bye. Bye bye. Take care. Come back. Okay. 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 Bye. Suru. मस्त बंदा है सुरु। लो जी, ये है यहाँ से वापस जाने का तरीका। कितना अच्छा दोस्त बन गया मेरा ये सुरु। We meet again. आज से हम लोग समुंदर किनारे, सागर किनारे, सागर किनारे, हिंद महासागर। एक्चुअल आई थिंक द टाइम इज गुड नाउ, या 10 मिनट्स टू गो देयर, या वेरी नियर। ओके, टुडे इट्स गुड टाइम बिकॉज यस्टरडे वी मे बी वी गेट लेट देन डिफिकल्ट, टुडे वी हैव टाइम सो वी डू इट गुड वे। अब ये जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं उससे थोड़े से कपड़े जो है ना मैले गंदे, वो थोड़ा ना मिट्टी विट्टी लग सकती थी उनमें, ऐसा बहुत सारे रिव्यूज़ में लिखा हुआ था, तो हमने वो वाले कपड़े रखे जो ईजिली धुल भी सके, और अगर गंदे हो जाए तो हाथों हाथ धुल जाए, क्योंकि हम लोग होटल पर होटल चेंज कर रहे थे, तो बेस्ट वेयर वॉज स्विम वेयर। जुगाड़। अब हम लोग जाएंगे नीचे केव्स देखने। यस, केव्स देखेंगे। कैसे कैसे जलाया तूने? यहाँ रेड बटन वो नीचे। हाँ, शुड आई ऑन?
Just press it. Oh yes. Okay, okay, we made our guide Krish. Krish. Oh, yeah. So it's Krusha. Yeah, I'm Krishant. Krishant. Nickname. Krish. Nickname. So Krish. No, we try to call Krishant. Okay. Shoes. Good. Yeah. Good grip. Yeah. Good grip. Okay. Oh, go down here. Okay. Oh, nice. This is the name of ceiling. It's a Harrow Natural Color Port and Tennessee River. Yeah. I think it's many million year old. Sorry? Many years old. Some people talking it, this cave is developed by King of Ravana. Yeah. But is now is no evidence. Okay. We are talking by all natural. All natural rock. Some old people talking it, this cave owner is King of Ravana. Oh. Yeah. Ravana and Rama is attacked by some Hello. Can you turn light off once? Light off? Yeah. And light on? We get see that how dark it is. इस जगह को बोलते हैं नेल्दिया पोकुना और ये एक ट्रैक होती है अंडर मतलब जमीन से नीचे केव है. बड़ी मस्त सी ट्रैक थी. हमारे जो गाइड थे वो बड़े मस्त थे और नीचे जब आपकी ट्रैक खत्म होती है यू आर ग्रीटेड विद दिस ब्यूटिफुल क्रिस्टल क्लियर ग्लास जैसा पानी. मतलब देख के दिल खुश हो जाता है. अभी हम लोग वो केव्स देख के आ रहे हैं. अंडर वाटर केव. अंडर वाटर नहीं, वो केव है उसके नीचे नेचुरल वाटर है, फ्रेश वाटर. तो नाउ वी हैव चेंज इनटू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल फॉर द बीच. बट वो जो कपड़े थे वो अभी मैं फिर से चेंज करने वाला हूँ. कभी कभार ट्रैवल आपके साथ ऐसे ही गूगली खेलता है ना. मैंने सोचा यार चलो स्विमिंग वाले कपड़े पहन लेते हैं. कामाक्षी के पास तो ऐसा कोई स्पोर्टवेयर था नहीं, मेरे पास तो स्पोर्टवेयर था. मैंने फिर भी स्विमिंग वाले पहने क्योंकि मुझे लगा रूम हमारा जो अभी आप देखेंगे उसके अंदर पर्सनल स्विमिंग पूल है. तो मैंने सोचा था जाते ही डुबकी मारेंगे. बट हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए और हमें सनसेट देखना था. आगे की कहानी अब देखते हैं. स्ट्रेट अनामा क्वींस पॉइंट. स्ट्रेट एंड राइट. राइट स्ट्रेट एंड राइट. या इज आर योर कोकोनट्स अदर प्रॉपर्टीज. ओके हेलो जी, हम अपने रूम में आ गए और ये हमारे रूम का USP है. इस वजह से हमने ये प्रॉपर्टी बुक करी है. मैंने रमाडा वाले पूल में पूल नहीं करा था ना. नहीं. रमाडा वाले जब स्वीट में था. हाँ. जो शादी के टाइम पे. हाँ, हाँ, हाँ. उस रूम में हम लोग पूल में जा ही नहीं पाए थे ना. अरे मेरे रूम में पूल था ना. हाँ स्वीट में नहीं था ना, उसमें नहीं गए थे. आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जब मैं एक्चुअल में रूम में पूल होगा और पूल में जाऊँगा. वेरी नाइस. इन श्रीलंका वी गेट टू डू दिस ब्यूटीफुल थिंग. या आई थिंक रूम यहीं पे शुरू होकर ख़त्म हो जाता है. एनीवे देयर इज अ प्लेस टू हैव डिनर और यहाँ पे पिज़्ज़ा हट भी पास है. ये हरी हरी वादियाँ आपको दिख रही है. ये बीच बाथ के लिए जो यहाँ पे हम लोग और रूम आपको दिखाते हैं. रूम्स पूरा अच्छे से मॉस्किटो नेट से वो कर रखा है. ये हमारा रूम है. साथ में दो क्यूट सी चेयर्स हैं. इसको पर्दों को खोल देंगे तो अच्छी वो आएगी, लाइट आएगी. और रूम में पूल व्यू भी आएगा. हाँ पूल व्यू. नाइस सो गुड. एंड ये फर्स्ट फ्लोर पे है तो अच्छा भी लगेगा. थोड़ा रात में बड़ी प्रिटी वाइब्स होगी इस जगह की. और यहाँ पे इन्होंने दो इलेक्ट्रिक दिए भी मिले पूल साइड पे कैंडल लाइट डिनर का, जैसे भी आपको यूज करना हो. ये है इधर छोटा सा टीवी. पहली बार इस ब्रांड का नाम सुन रहा हूँ, अबांस करके. आई एम प्रीटी श्योर ये चाइना से कोई ब्रांड लेके रीब्रांड हो रखा होगा. देयर इज अ फ्रिज. फ्रिज में देखें कुछ है. खाली होगी. ये भी अबांस ब्रांड का है. ये अबांस ब्रांड क्या है, नो आइडिया. केटल, रेगुलर रूम, खिड़कियां. खिड़कियाँ जो ओपन्स टू वेयर, बैक साइड. हाँ बैक साइड व्यू जो भी है. एनीवे बाद में देखेंगे इनको. ये हमारा लगेज एरिया है. छोटा सा रूम, ब्यूटीफुल सी पेंटिंग पीछे से, प्योर कोस्टल वाइब्स. हाँ द पेंटिंग इज सो प्रिटी. नाइस. एंड व्हाट एल्स डू वी गेट हियर. हो प्रॉपर वॉशरूम. ठीक है चलो जी,
हम लोग रूम में बाद में एक्सप्लोर करेंगे रूम को। ये कैसा ताला है? वो शायद ना उसमें फिक्स नहीं, फिट नहीं हो, इसके अंदर जाना चाहिए ना। अच्छा, अंदर से है क्या ताला? I think we'll go and see sunset. We'll get late otherwise. We'll come and talk to you later. Thank you. Okay, thank you. चलो भाई अब हम लोग कौन सा तांगुला बीच में हम लोग तांगेल बीच पे है। हम लोगों ने जाना है हिरिकेटिया बीच पे। हिरिकेटिया बीच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच भाई। ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। ये है इनकी बगल वाली प्रॉपर्टी जिसके पास ग्रो हो रहे हैं किंग कोकोनट, और उनके दो कोकोनट हो चुके हैं गिरे। तो ये काम हम लोग कर लेते थे बचपन में, ये खुलता। अब बड़े होके अनजान देश में करने में मज़ा तो बहुत आएगा, तो करते हैं। आ जा मोटू, आ जा, छोड़ दे, इतना भी एडवेंचरस नहीं हम लोग। ये सब मूवीज में ही देखने में अच्छा लगता है। वी सी सनसेट एट द बीच, हिरिकेटिया बीच। Yeah, yeah, here only. Vinu. Hiriketia. See sunset. Sunset is, I think, 6 o'clock. Yeah. Not at 4:40. I think it's sunny today. That's why, maybe. Okay, we wear our beach hats, no? Oh, yeah, we wear the hats we bought at Ravana Cave. Hiriketia Beach. Okay, does madam look beach ready? Yep. Okay. Okay. Beach ready couple. आ देख क्या थे गाइस, बिल्कुल टाइम से पहुंच गए हम लोग। ये रहा बीच। ओ मुड़ो, ये देख, सो ब्यूटीफुल। वाओ, एंडलेस बीच। मैं तो बीच वाली चप्पलें भी पहन के आया हूँ पूरी प्रॉपर। बस बीच टोपी हमारी उड़ ना जाए। वो तेरे में तो वो है ना। नहीं, वो एक्चुअली वो फिर वो ना पार्टी प्लेस के हिसाब से क्राउड होती है, धस जाता है ना पूरा, मजा आता है। ये चप्पल हम लोगों ने कूर्ग में ली थी रिवर ट्रैक करते हुए ना। बड़ी फनी स्टोरी है ये। हम लोग कूर्ग में थे, उन्होंने बोला ट्रैकिंग करने के लिए चप्पल पहननी। हमने बोला जूते लेके आए, कह रहे नहीं नहीं आप ना नदी से गुजरोगे तो चप्पल लेके आओ। फिर हम लोग गए, हम लोग थोड़े तो कपड़े गीले होंगे ना, हम लोग गए चप्पल लेके आए 200 रुपये की हवाई चप्पल। थोड़ा तो गीला होगा ये बंदा। मैं भी ऊपर कर लेता हूँ फिर। अब हम लोग प्रॉपर श्रीलंका में आए हैं। एक्चुअली वो भी श्रीलंका था, बट द वर्ल्ड नो श्रीलंका फ्रॉम दिस। लो जी, फुल प्रॉपर हमने सनसेट भी देख लिया। अब स्काई पिंक हो गया। नाउ इज़ द टाइम कि हम लोग कुछ खाना देखते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह कुछ खाते हैं, वहीं चलते हैं। पिज़्ज़ा प्लेस ही जी, इसका मेन्यू देखते हैं। अच्छा हुआ तो ठीक है, वरना यहाँ काम तो हो गया। हमें यहाँ पे इसलिए था, सनसेट देखना था। सनसेट हो गया, अब वापस चलते हैं कल एक और बीच पे। अब हमारी ट्रिप में बहुत सारे बीचेस देखने को मिलेंगे आपको, बीच भरी। कभी कभार आपको लाइफ में मेथड ऑफ एलिमिनेशन से चलना चाहिए। हम लोग चूज़ कर रहे थे बिटवीन दिस सी फेसिंग प्रॉपर्टी एंड बिटवीन अ पिज़्ज़ा प्लेस। अब ये वाली प्रॉपर्टी को दो चीज़ों से रिजेक्ट कर दिया। पहला रीज़न कि सनसेट हो गया है, एंड सेकंड रीज़न कि इन लोगों ने आज ही स्टार्ट किया। लिटरली इतनी सुंदर प्रॉपर्टी आज ही स्टार्ट करा है, तो इनके ऊपर फूड मेन्यू नहीं है। Thank you.
गाइस चेंज ऑफ प्लान, हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा प्लेस पकड़ी थी, फिर वो इतनी समझ नहीं आई, फिर हम लोग बीच किनारे, ये जगह है ला प्लाया, LAPLAYA, ये इस जगह पे आए हैं और क्या मस्त व्यू है, अंदर की वाइब भी बड़ी प्यारी है और हमारा टेबल देखो समुंदर किनारे, और हम लोगों ने यहाँ से ऑर्डर करा है एक वेज पिज़्ज़ा। या ये पिज़्ज़ा जो है हाफ एंड हाफ है, हाफ साइड इसकी है आलू, आलू पिज़्ज़ा में आई थिंक मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम खाऊंगा, कैरमलाइज्ड अनियंस है, पार्मेजान चीज़ है, और हाफ़ साइड इसकी है, इसके अंदर मशरूम्स हैं, इसके अंदर लीक्स है, और इसके अंदर कुछ तो एक दो और चीज़ें, ओ थाइम भी थी। गाइस हम लोग वहाँ पे इस रूम में आ चुके हैं, एंड अगर आप थोड़े से भी शेरलॉक होम्स या ब्योमकेश बख्शी टाइप से होंगे तो आपको लगेगा हमारा रूम बदल चुका है। वो इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर वाले रूम में कुछ सडनली प्रॉब्लम आने लग गई थी, एसी का पानी तो नहीं, हीटर का पानी टपक टपक करने लगा। कहाँ पे टपक रहा है भाई? यूएसपी में, यूएसपी में मतलब पूल के अंदर टपक रहा है। मैंने बोला पूल के लिए तो एक प्रॉपर्टी ली है मैं, तो रात में आज पूल में जाने वाला हूँ। बट दे वर काइंड इनफ, काइंड इनफ इज अ वेल समथिंग, तो उन्होंने हमें, हम लोग पहले इसके ऊपर थे, अब हम लोग नीचे आ गए। अब नीचे वाले पूल में मैंने पूल का एक सेशन भी लगा लिया, एज यू कैन सी मस्त बैठ रहा पूल में, वेरी वेल इन्जॉयड, ठीक है। और फिर अब हम लोगों ने, भूख लग गई थी, ओ आई ऑल्सो यूज दिस, वेरी नाइस थिंग, वेरी वेरी नाइस थिंग। अब भूख लग रही थी तो हमने ऑर्डर करा माई डियर फ्रेंड पिज़्ज़ा हट, दिस इज आई थिंक हमारा पिज़्ज़ा हट का 6-7-10 नहीं, डोंट ओवर एग्जैजरेट, आई थिंक दिस आर फोर्थ ऑर्डर। ग्रीन चिली थोड़ी सी कम है बट ठीक है, काम चल जाएगा। एंड ये साथ में गार्लिक स्टिक्स। भाई डोमिनोज तो हमने छुआ ही नहीं है इधर, पिज़्ज़ा हट श्रीलंका आई थिंक इस, मतलब हमने तो सिर्फ यही अनियन पिज़्ज़ा ही है, एक बार खाया था उसके बाद से तीसरी चौथी बार खा रहा हूँ। बाय बाय, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक और सिटी में। गुड नाइट, बाय।